न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। जूनीकामठी क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या। नागपुर वन विभाग की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता के चलते सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि जूनीकामठी कन्हान के गाड़े घाट परिसर में लोगों को मरे पड़े मोरों के शव दिखाई दिए हैं। कामठी कन्हान क्षेत्र में मोरों की तादाद अधिक हो गई है, जहां चोरी छिपे मोरों का शिकार होना आम बात है। कन्हान नदी तटीय हरी भरी झाड़ियों में राष्ट्र पक्षी मोरों के समूह झुंडों को विचरण करते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्र पक्षी मोरों का मुख्य भोजन सांप होता है। यहां नदी तट के इर्द गिर्द बहुत सांप विचरण करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि कन्हान नदी में मछलियों को खाने के लिए विविध प्रकार के सांप, चूहे, केचुए और मेंढक पाए जाते हैं। इसलिए परिणाम स्वरूप यहां हजारों की संख्या में राष्ट्र पक्षी मोरों के समूह जंगल झाड़ियों में आश्रय लिए हुए है। देखा जा सकता है कि व्यापक चर्चाओं के मुताबिक यहां चोरी छिपे शिकारी फांदा फाशा लगाकर मोरों का शिकार करते रहते हैं। हालांकि पकड़ता जा सकता है, लेकिन इतना ही नहीं, शिकारी लोग भोजन आहारों में भी बेहोशी की अवैध औषधि मिलाकर रख दिया करते हैं। नतीजतन मुख्य प्राणी मोर उक्त बेहोशी मिश्रित भोजन करके बेहोश होकर जमीन पर ही गिर जाते हैं और शिकारी उन बेहोशी में पड़े मोरों को उठा ले जाते हैं। बाद में मृत मोरों का मांस होटलों और ढाबों में बेच दिया जाता है। नागपुर वन विभाग की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता के चलते सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि जूनीकामठी कन्हान के गाड़े घाट परिसर में लोगों को मरे पड़े मोरों के शव दिखाई दिए, परंतु वन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। बताते हैं कि नागपुर जबलपुर हाईवे के इर्द गिर्द संचालित बड़े बड़े ढाबे तथा होटलों में मोरों, जंगली सुअरों, हरिण, चीतल, गो, खरगोश, बारा सिंगा, सांबर सिंगा और अन्य जंगली जानवरों का मांस युक्त खाना भोजन आसानी से उपलब्ध हो सकता है। बताते हैं कि इस क्षेत्र में मोरों की तादाद अधिक हो गई है, जहां चोरी छिपे मोरों का शिकार होना आम बात है। कन्हान नदी तटवर्ती हरी भरी झाड़ियों में राष्ट्र पक्षी मोरों के समूह झुंडों का विचरण करते हुए देखा जा सकता है। हाल ही में जूनीकामठी के गाड़े घाट परिसर में बेहोशी बना मृत अवस्था में लोगों ने मोरों को देखा गया, परंतु वन विभाग को सूचित किए बिना वहां के समाज से भी लोगों ने उन बेहोश मोरों को दफन कर दिया गया। सूत्रों का तर्क संगत आरोप है कि मृत मोरों का वन विभाग के माध्यम से पोस्टमार्टम जरूरी था। इस प्रकरण पर वन विभाग ने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एमएनएस न्यूज टीवी ऐप। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। www.mnsnewstv.com पर भी आप हमारा चैनल को जाकर देख सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे एमएनएस न्यूज टीवी पर, क्योंकि सच जरूरी है। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।